गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कारोबारी सभा नखत्राणा जिलों कच्छ मुकामें योजाई थी। सूरत जिला प्राथमिक शिक्षक संघ प्रमुख श्री किरीट भाई पटेल, महामंत्री श्री अहिन भाई चौधरी तेमज अन्य होद्देदारों हाजर रहा था। नखत्राणा मुकामें कच्छ जिला में गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कारोबारी आयोजन कर 17 तारीखे ने रविवार गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा नखत्राणा में समग्र गुजरात ना तमाम प्रतिनिधि कारोबारी सभ्यों राज्यना होद्देदारशीओ महिला होद्देदारशीओ अने समग्र कारोबारी उपस्थित थी। आ कार्यक्रम में उद्घाटन माटे माननीय धारासभ्य श्री प्रद्युम्नसिंह जाडेजा खास उपस्थित रही मार्गदर्शन आपवामां आवेल हतुं। समग्र कार्यक्रम एजेंडा मुजब जे कई कार्यवाही थी एजेंडा मुजब कार्यवाही करवामां आवेली हती अने गुजरात राज्यना जे सरकार द्वारा समाधान थयेला बे प्रश्नो 2005 पहेलाना अने 10-14 प्रश्नों जे पेन्डिंग छे ए बाबतनी चर्चा करवामां आवेली। 2005 पछीना तमाम कर्मचारीने जूनी पेन्शन मळे अने समग्र देश लेवले आ आंदोलनना कार्यक्रम जेवा आपवामां आवे अने सफळ बनावा माटेना आगामी समयमां 8-12 समग्र देशनी अंदर कार्यक्रमो थवाना छे। तेना माटे गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा चर्चाओ करवामां आवी अने जे एटाटना बदलीना नियमों जे झड़पथी बहार पाड़वा माटेनी पण चर्चा करवामां आवी। बे बदली थयेला शिक्षकों ने 100% छूटा करवा अने जे शिक्षकों की भर्ती ज्ञान सहायक करवामां आवे छे एना बदले पूरा पगारना शिक्षकों की पूरा पगारी भर्ती थाय ए बाबते चर्चा करवामां आवी। पगार बिलो जे पेक्षानी अंदर करवामां आवे खूब मुश्किली पड़े छे एना माटे पण उच्च कक्षाए रजूआत करवानी वात थई। आवा अनेक प्रश्नों शिक्षकोना जे पड़तर प्रश्नों छे आ बाबते चर्चाओ करवामां आवी अने समग्र राज्यमांथी शिक्षकों उपस्थित रह्या हता अने नखत्राणाना प्रमुख रामभा अने कच्छ जिलाना प्रमुख नयनसिंहभाई अने केरणाभाई महामंत्री आ रीते समग्र टीम कच्छनी अने नखत्राणानी टीमे खूब सारू आयोजन कर्युं हतुं अने खास करीने आजे ज्यारे बधा कर्मचारीओ शिक्षक भाईओ बहेनोनी व्यवस्था माटे એ ખૂબ સારું આયોજન કર્યું હતું એના માટે હું કચ્છ જિલ્લાની કચ્છ ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ખાસ કરીને સુરતમાંથી કિરીટભાઈ જ્યારે ઉપસ્થિત હતા એમણે જે કંઈ એના તરફથી આજના આ મીડિયા દ્વારા આ પત્રને આવકારવા માટે જે કિરીટભાઈએ મેસેજ કરી અને સમગ્ર રાજ્યના શિક્ષકો વતી હું આપના મીડિયાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું।